है कि ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे कितने थ्री डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं जिनको आप फाइव से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर में टू दें। समझ गए कि नहीं? जिनको आप फाइव से डिवाइड करें और आपको रिमाइंडर में क्या मिले, टू। ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर पॉसिबल है? सर चलिए गुड। यस सर तो क्या करना था पता है ना आपको भाई? पहला यस थ्री डिजिट नंबर आपको मिला क्या? हंड्रेड। रिमाइंडर आपको टू चाहिए और ये तो पूरा पूरा डिवाइड है फाइव से, इसका मतलब पहला नंबर 102 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट नंबर आपको 999 मिलता है और ये डिवाइड फाइव से होने पे फोर रिमाइंडर देता है और हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? टू। तो लास्ट नंबर 997 हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया लास्ट नंबर और बीच में जो इसका कॉमन डिफरेंस मेंटेन होगा वो कितना हो जाएगा? फाइव। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन आएंगे वो कितने आएंगे? 997 माइनस 102 बाई 5 प्लस 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 895 आएगा क्या? डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 180 वन, फिर 179 प्लस 1 तो टोटल 180 टर्म्स आएंगे ना। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं इसी में एक सवाल आपसे पूछूं और आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूं कि इन एन एपी T5 इज 6 एंड T8 इज 5 और आपसे मैं पूछूं फाइंड T11 क्विक, देखिए दो तरीके हैं। एक तो कल की क्लास में आपने इसका सोल्यूशन सीखा था, वो क्या था कि T8 में से T5 माइनस करो और T11 में से क्या माइनस कर दो? T8। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ रही है सर। ये 1 और 1 आएगी नहीं, ये तो 1 ही आ जाएगी ना क्योंकि ये तो सीधा डिवाइडर रहेगा। यस सर। 3 3 3। आप जैसे यहाँ पे वैल्यू सारी उठा के रखोगे तो 6 माइनस 5 इज 1, 1 इज इक्वल टू T11 माइनस 5। तुरंत T11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन हो या डाउट, समझ में आया कि नहीं? चलो सही सॉल्व कर लिया आप। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बता। नहीं समझे बेटा? सर जो आपने कल फॉर्मूला बताया सर, हमने क्लास अटेंड नहीं की थी आपकी, लेकिन लेक्चर भी देखा था। सही है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे चलूं कि टी क्यू माइनस टी पी करूं तो क्या वो क्यू माइनस, या इसको रिवर्स ही कर लेता हूँ, टी पी माइनस टी क्यू करता हूँ तो क्या वो पी माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा? ऐसे ही मैं टी क्यू माइनस टी आर करता हूँ तो क्या वो क्यू माइनस आर इंटू डी हो जाएगा? ऐसे ही मैं टी आर माइनस टी पी करता हूँ तो क्या वो R माइनस पी इंटू डी हो जाएगा? बोलो भाई, जहां पे D क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जहां पे D क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं भाई? बताइए मुझे। अब जैसे ही ये वैल्यू आपने निकाली तो यहाँ पे तुरंत D क्या मिल गया? P माइनस Q की वैल्यू सेम है, क्या मिल गई? A माइनस B बाई D। ऐसे Q माइनस R की वैल्यू क्या मिल गई? B माइनस C बाई D। और ऐसे ही R माइनस P की वैल्यू क्या मिल गई? बोलिए। C माइनस A बाई D। अब यही वैल्यू उठा के आपने रख दी तो A इंटू क्यू माइनस R मतलब B माइनस C बाई D प्लस B इंटू R माइनस पी मतलब C माइनस ए बाई डी और प्लस C इंटू पी माइनस क्यू मतलब A माइनस बी बाई डी। यहाँ से 1 बाई डी कॉमन करेंगे, अंदर सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे।
तो ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और प्लस ए सी माइनस बी सी, तो अल्टरनेट सारे टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट, बचा क्या जीरो। यही सॉल्व किया होगा सबने। बोलिए कोई भी सीक्वेंस आप लिख रहे हैं तो उस सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा फ्रॉम स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इक्वल टू n माइनस के प्लस वनth टर्म फ्रॉम एंड। सॉरी nth टर्म की जगह kth टर्म कर लो, kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू n माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड इफ सीक्वेंस हैविंग हैविंग n टर्म्स। मतलब अगर किसी सीक्वेंस में n टर्म्स है तो आपको kth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर बात करनी है तो वो n माइनस के प्लस nth टर्म होगा एंड से, या इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, अगर आपको kth टर्म एंड से देखना है तो वो n माइनस के प्लस वनth टर्म होगा कहाँ से, स्टार्टिंग से। समझ में आया कि नहीं? मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमें kth टर्म देखना है कहाँ से, फ्रॉम एंड, तो वो n माइनस के प्लस वनth टर्म होता है कहां से, कहां से भाई, स्टार्टिंग। ये एक जनरल रूल है जिसको आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो आपके पास 20 टर्म्स हैं टोटल, सर ये हर सीक्वेंस के लिए, हाँ किसी भी सीक्वेंस के लिए, एन टर्म्स की कोई भी सीक्वेंस हो, अगर उस सीक्वेंस में एन टर्म्स हैं तो ये हमेशा वैलिड है। अब मान लीजिए आपने कहा हमें स्टार्टिंग से 11th टर्म पे जाना है, सही है, तो क्या वो एंड से, जो स्टार्टिंग से 11th टर्म होगा वो एंड से क्या होगा, 20 माइनस 11 प्लस 1th टर्म होगा कि नहीं? बोलिए वो एंड से 10th टर्म होगा कि नहीं, हाँ या ना? मतलब अगर मैं सेम इसी टर्म की बात करूं तो स्टार्टिंग से जो 11th टर्म होगा वो एंड से 10th वाली पोजीशन पे होगा कि नहीं? बोलिए भाई। तो वही सर। अब या मैं इसका रिवर्स बोल दूं, जो एंड से अगर मैं चलूं, सही है ना, अगर मैं इसी का रिवर्स में बोल दूं, क्या बोलूं, कि जो एंड से 10th टर्म पे होगा, 10th टर्म होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, बोलिए 20 माइनस 10 प्लस 1th टर्म होगा कि नहीं, इसका मतलब कौन सा टर्म होगा, 11th टर्म हो जाएगा कि नहीं? यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था। दिखा क्या मेरी बात समझ में? मैं जो समझाना चाह रहा था कि अगर हमें किसी भी सीक्वेंस में kth टर्म फ्रॉम एंड डिस्कस करना हो तो स्टार्टिंग से n माइनस के प्लस वन टर्म होता है, या हमें स्टार्टिंग से के टर्म डिस्कस करना हो तो एंड से वो n माइनस के प्लस वन टर्म होता है। क्या है मेरी बात समझ पाए? अगर n टर्म्स की सीक्वेंस आपके सामने है तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हुआ? बोलिए भाई। ओके, ये तो किसी भी जनरल सीक्वेंस की बात हो रही है। अब अगर मैं एपी के केस में आपसे बोलूं, ठीक है, तो एपी में मान लो जैसे मैंने कहा कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर से लेके ए एन माइनस वन और ए एन, ये सारे टर्म्स एपी में हैं। तो एपी में होता क्या है, चलो इससे पहले भी एक टर्म ए एन माइनस टू ले लो, तो एपी में हो क्या रहा होगा, यहाँ से अगर यहाँ जाना चाहोगे तो प्लस डी करोगे, बोलिए भाई, यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे तो प्लस टू डी करोगे, यहाँ से यहाँ जाना चाहोगे तो प्लस थ्री डी करोगे, अच्छा रिवर्स में चलो, यहाँ से यहाँ आना चाहोगे तो क्या माइनस डी कर लोगे, यहाँ से यहाँ आना चाहोगे तो क्या माइनस टू डी कर लोगे, सोच के जवाब देना। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग?
यस सर यस। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सॉरी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से यहाँ आना चाह रहे हो तो क्या माइनस थ्री डी करोगे? बोलिए। तो जब आप स्टार्टिंग से आगे बढ़ोगे तो डी ऐड करते हुए चलोगे, सही है? और जब आप एंड से वापस चलोगे तो डी क्या करते चलोगे? सब्ट्रैक्ट करते चलोगे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो यार, ये बात पूरी बात समझ पाए कि नहीं आए, बोलो। तो अब अगर मैं इसी चीज को समझूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई A2 को मैं लिख सकता हूं A1 प्लस D, हाँ या ना? और An माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं An माइनस D। ऐसे मैं A3 को लिख सकता हूं A1 प्लस 2D। तो मैं An माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं? An माइनस 2D। क्या ये बात समझ पा रहे जो मैं समझा चाह रहा हूं? ऐसे मैं अगर A4 को लिख सकता हूं तो A1 प्लस 3D। ऐसे मैं An माइनस 3 को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं An माइनस 3D। तो मैंने क्या देखा कि A1 प्लस An और A2 प्लस An माइनस 1, A3 प्लस An माइनस 2, A4 प्लस An माइनस 3, ऐसे करते करते ए के प्लस ए एन माइनस के प्लस 1, ये सारे टर्म हमेशा कांस्टेंट आ रहे हैं। बोलो भाई क्या ये बात समझ पाए सब लोग? यस सर। इसका मतलब किसी भी एपी में अगर मैं स्टार्टिंग और एंड से सेम डिस्टेंस का टर्म पिक करूं, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लूं और एंड से भी फर्स्ट टर्म लूं तो दोनों का सम कांस्टेंट, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लूं और एंड से भी सेकंड टर्म लूं दोनों का सम कांस्टेंट, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लूं एंड से थर्ड टर्म लूं दोनों का सम कांस्टेंट, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म लूं एंड से भी फोर्थ टर्म लूं दोनों का सम कांस्टेंट, यानी स्टार्टिंग से kth टर्म लूं, सही है, और एंड से स्टार्टिंग का जो k टर्म होगा और एंड से क्या हो जाएगा n माइनस k प्लस 1 टर्म हो जाएगा, दोनों का सम अभी भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? बोलिए भाई। यस सर। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं ये मुझे बताओ। यस सर। यस सर। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। तो इसका मतलब हमने एपी में एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की कि सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म फ्रॉम कहां से स्टार्टिंग टू फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म फॉर गिवन एपी, किसी भी एपी में स्टार्टिंग और एंड के जो टर्म्स का सम होता है कहां से? स्टार्टिंग से और एंड से, वो हमेशा कैसा होता है भाई? कांस्टेंट होता है। बोलिए क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलो। अरे बताओ क्या ये बात सबको समझ में आती है? अच्छा ये कैसे समझोगे कि टर्म स्टार्टिंग और एंड पे है? देखो सफिक्स का सम सेम आ रहा है, वन और एन, एन प्लस वन, टू और एन माइनस वन कितना हुआ? एन प्लस वन, थ्री और एन माइनस टू कितना हुआ? n प्लस वन, फोर और n माइनस थ्री कितना हुआ? n प्लस वन, k और n माइनस k प्लस वन कितना हुआ? n प्लस वन। यानी कि अगर मैं आपसे ऐसे कह देता, देखो a1 a2 a3 डॉट 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 a24 आर इन ap, कितने टर्म्स हैं टोटल जल्दी बोलो? 24 तो यानी n 24 है तो n प्लस 1 तुरंत क्या होगा? 25।
यानी सफिक्स का सम जब जब 25 होगा तो सम कांस्टेंट होगा, तो a1 प्लस a 24, a2 प्लस a 23। अब मैं यहीं पे आपसे कह देता a 11, तो उसके साथ तुरंत क्या लिखते 14, समझ में आ रहा है? बोलिए, यहीं पे मैं कहता a 17, तो उसके साथ तुरंत क्या लिखते a 8, इन सब का सम क्या होगा भाई? कांस्टेंट। लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं, कैसे जल्दी से लिख सकते? अभी भी हर बार हमने सफिक्स का सम क्या मेंटेन किया है, n प्लस 1, और n 24 था तो n प्लस 1 25। ये बस लिखने का एक छोटा सा तरीका हो गया कि ऐसे आप जल्दी से सोच के, अगर आपको ऐसे बहुत सारे टर्म्स दिए हो तो जल्दी से सोच के आप ऐसे करके लिख सकते हैं, बस ये है। क्या ये बात समझ पाए सर? ये कांस्टेंट क्या है मतलब यहाँ पर? अब हम बात करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अच्छा एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा तो होगा ही। Yes, वो टू ए प्लस एन माइनस वन टू सी होता है। हम बात करेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अब ध्यान से देखिएगा। ये भी पढ़ाया। अगर मैं SN की बात करूं तो आप उसको लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN माइनस 1 प्लस AN। अगर हम इसी को रिवर्स करके ऐड कर दें तो AN प्लस AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 से लेके A2 प्लस A1 आ जाएगा, और इसी को हम ऐड कर देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो ये 2SN आएगा। और अभी आपने पढ़ा कि AP में जो सेम डिस्टेंस के टर्म होते हैं उनका सम क्या होता है? कांस्टेंट। तो A1 प्लस AN का सम वही होगा जो A2 प्लस AN माइनस का होगा, ये सम वही होगा जो इसका होगा, और ये सम यही होगा जो इसका होगा, ये सम यही होगा इसका होगा। तो ये सम कितनी बार रिपीट कर रहा है ये बताओ? N टाइम्स रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू n टाइम्स ऑफ a1 प्लस an के बराबर होगी। बोलो भाई क्यों होगी? Yes. क्योंकि a1 प्लस an, a2 प्लस an माइनस 1, और ये सारे टर्म कांस्टेंट होंगे। बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ap में अगर आप फॉर्मूला देखो sn का तो क्या निकल के आ गया? n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है ना? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट टर्म को मैं क्या ले लेता हूं a, और nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू d ले लेता हूं, ये जो सम है वो आ जाता है n बाई 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू d। समझ में आया? तो sn के दो रिजल्ट आप यूज करते हैं सिचुएशनली। पहला n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा फॉर्मूला यूज होता है n बाई 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है? यहाँ पे a का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। डी का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है ना? और एल का मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म या एपी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? टीएन, यानी कि nth टर्म। और एन का मतलब हो गया सर नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो ये रिजल्ट आप यूज करेंगे जहां आपको सिचुएशनली मौका मिलेगा वहां पर। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. समझ में आया? सर, सर इस फॉर्मूले में हम लोग n by 2 a of 2 plus a of n minus first n terms of an AP का, सही है? अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर a और d दिए हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके आप किसी भी AP के n टर्म्स का सम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग दीज रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं? और ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि किसी भी एपी में सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है।
समझ में आया कि नहीं भाई, बोलिए कोई कंफ्यूजन। अब देखिए इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन आपके सामने सीधा है कि फाइंड सम ऑफ पहला सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ पहला है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, दूसरा है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। जल्दी बताइए फर्स्ट 15 टर्म्स। सेकंड तो 495। तो सिंपल 460 सीधा फॉर्मूला लगा देना इसमें, तो भाई ए की वैल्यू आपको 2 मिल गई, डी आपको 3 मिल गया और एन 15 दिया ही हुआ है, सीधा एस 15 का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो 15/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या यही काम किया होगा सबने? तो 15 2 प्लस कितना ही आ गया 21, तो 15 इंटू 23 आ गया, 3 कितना रहा 3 45। तो आंसर आ गया 345। पहला आंसर तो डन था। सेकंड में क्या किया भाई? ए मिल गया आपको 3, डी मिल गया आपको 4 और एन आपको 15 दिया ही था, तो यहाँ पे आपने 15 टर्म्स का सम निकाला तो 15/2 6 प्लस 14 इंटू डी, यहाँ पे आ गया होगा 15 और ये आ गया होगा 3 प्लस 28। बोलो भाई, तो 15 इंटू 31। बोलो क्या समझ में आया? 465 आ रहा है क्या? यस सर। तो फर्स्ट आंसर 345 एंड सेकंड आंसर 465। चलिए अगला क्वेश्चन, A1, A2, A3, A24 आर इन AP इफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A14 प्लस A19 प्लस A24 इज 300, फाइंड A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A24। ये क्वेश्चन एडवांस का है। सोच समझ के आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं है। देखिए करना एकदम सिंपल सा काम था, जो आपने सीखा है बस उतनी इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना था। भाई हमने ये सीखा है ना कि एपी में सेम डिस्टेंस के टर्म का सम कांस्टेंट होता है, तो ये सारे सम तो सेम ही हो जाएंगे ना, A11 और A14। अगर हम इस सम को k कह दें, तो अगर यहाँ पे देखें तो A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A14 प्लस A19 प्लस A24 ये 3k दिया हुआ है और यही 300 है, तो k की वैल्यू 100 आ गई कि नहीं आ गई? और अगर मैं यहाँ पे सारे टर्म्स का सम निकालूं तो A1 प्लस A2 से लेके A24 हमें चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म दैट इज के, तो 12 इंटू के आंसर इज 1200। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बोलिए लास्ट में आया था। हाँ थ्री के कहाँ से आया? अरे ये सम कितना हो गया के, ये सम कितना हो गया के, ये सम कितना हो गया के, दिखा ये इस बार सर ए ऑफ 19 के साथ तो ए ऑफ 5 मिलना चाहिए ना, हेलो। हाँ बेटा क्या कह रहे हो सर? ए ऑफ 19 के साथ ए ऑफ 5 मिलना चाहिए था ना हम लोगों को, क्यों 6 मिलना चाहिए था? 6 मिलना चाहिए था ना। अब क्या था देखिए, जो लोग इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझ पाते हैं उनके, वैसे तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए यही तरीका था, इससे ही आप ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में करेंगे, वरना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप ऐसे भी ले सकते थे कि भाई हमने कहा कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, ठीक है, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो हमने डी मान लिया, मान लिया। तो अब मुझे बताओ, हमको अगर इक्वेशन गिवन है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A14 प्लस A19 प्लस A26 इक्वल टू 300, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5D, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 10D,
इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13d, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 18d, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 25d, ये क्या हो गया, 300 हो गया। यहाँ से आएगा 6a प्लस डी में अगर आप कॉमन करोगे तो a 24 है, a 24 है सर। डी कॉमन करोगे तो डी में टोटल क्या आ जाएगा, 69d शायद। देखिए डी में टोटल कॉमन करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, देखिए 23, 18, 69, तो ये सब मिला के क्या बन जाएगा 69d, ये क्या हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा, देख लो भाई। तो अब यहाँ पे जैसे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 3 कॉमन लेके हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 23 इक्वल टू 100 आ जाएगा, ये बताओ मुझे। यस सर। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्या यहाँ तक बात बोली गई बात सबको समझ में आई? अब आइए, हमें सम ऑफ 24 टर्म्स ही तो चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 24/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। नहीं समझे मेरी बात? यस सर, हमने 3 कॉमन लिया था तो वहां 2a होगा। अच्छा, हाँ 23d लगा देंगे और ये वैल्यू तो हमने ऊपर से निकाल ही लिए, तो भी आंसर 1200 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इक्वेशन बना के अटेम्प्ट ले सकते हैं, बट इसमें फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है, बस ये है भाई। इतनी सारी इक्वेशन करोगे, ऐड करोगे, सिंपलीफाई करके लिखोगे तो ऐसा नहीं टाइम लग जाएगा, बट ये क्या है कि प्रॉपर्टी अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप सीधे आंसर टिक करोगे, बस ये आराम है इस प्रॉपर्टी का। समझ गए कि नहीं मेरी बात? सही होंगे, बोलिए। आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं कि वो कह देते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि नहीं? तो इसको आप लिखना शुरू करते हैं तो ए प्लस 2d, a प्लस 4d से लेके a प्लस 198d इज अल्फा, तो ये सब आ जाता है 100a प्लस डी कॉमन करते हैं तो 2 प्लस 4 से लेके 198 इक्वल टू अल्फा, तो ये आ जाता है 100a प्लस, इसी को सिंपलीफाई कर लेते हैं। बोलिए भाई, बोलो, यही काम तो कर रहे हो? तो ये टोटल कितने टर्म्स आ गए, 99 टर्म्स आ गए इनटू डी 4 प्लस, या सीधा समी कर दो ना, 200 इक्वल टू अल्फा आ जाता है। तो यहाँ से 100 कॉमन कर लो, ये वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, ए प्लस कितना डी, 99 ना, इज इक्वल टू अल्फा आ जाता है। क्या चेक करो जरा, हाँ या ना जवाब देना। ऐसे ही जब सेकंड वाली इक्वेशन सिंपलीफाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, ए प्लस डी फिर ए प्लस 3d से लेके ए प्लस 199d इक्वल टू बीटा आ गया होगा। तो फिर आपने लिखा होगा 100a प्लस डी कॉमन किया होगा, वहां पे आया होगा 1 प्लस 3 से लेके 199 इक्वल टू बीटा, यहाँ से आया होगा 100a प्लस, यहाँ पे भी सेम 99, या इसमें 100 आ गया होगा। हंड्रेड बाई टू इंटू डी, और यहाँ पर भी वही सेम 200 आ गया होगा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से आ गया होगा a प्लस 100d और 100 कॉमन इक्वल टू बीटा, ये दो इक्वेशन आ जाती हैं। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है बीटा माइनस अल्फा बाई 100। इतना काम आप इस क्वेश्चन में करते हैं अगर आप सम में चले जाते हैं तो, जबकि ये काम कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया? ये क्वेश्चन इसके लिए था ही नहीं,
इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किसी भी एपी में अगर हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाते हैं तो डी ऐड करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो डी ऐड करते हैं, यानी जो इवन और ऑड प्लेस के टर्म होते हैं ये इवन सॉरी ऑड प्लेस के टर्म है, ये इवन प्लेस के, दोनों में हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डी मेंटेन होता है, तो दोनों को माइनस कर दो, तो ए टू माइनस ए वन, ए फोर माइनस ए थ्री, ऐसे करते करते ए 200 माइनस ए 199 इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, और ये डी 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 सम कितनी बार आएगा बताओ मुझे, 100 टाइम्स, सही है, तो ये बीटा माइनस अल्फा आ गया, तो यहीं से डी की वैल्यू हम सीधा क्या निकाल लेंगे, बीटा माइनस अल्फा बाई 100, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करने का एक्चुअल तरीका ये था, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया था कि आपका टाइम वेस्ट हो, और कोई लॉजिक नहीं था। अब मैं अगर आपसे मतलब जनरल सीधे फॉर्मूले पे ही बेस क्वेश्चन पूछ लूं कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म एपी का 45 है और सम ऑफ एन टर्म्स 400 है, तो आपको बताना है फाइंड एन एंड डी फॉर एन एपी। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं चलूं तो एपी का फर्स्ट टर्म दिया है, एपी का लास्ट टर्म दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, तो आपको एन और डी की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में तो सीधा इक्वेशन बना के सिंपलीफाई कर देना, और कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में सीधा इक्वेशन बना के सिंपलीफाई कर देना है, समझ में आ रहा होगा क्या करना है, बोलिए। एन तो 160 आ गया। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है ना एक्चुअली भाई, सिंपल आपको टीएन का रिजल्ट लगा देना है, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या ये बात समझ पा रहे हो, ये 45 दिया हुआ है, हाँ या ना बताओ मुझे, समझ गए कि नहीं, तो यहाँ से n माइनस वन इंटू डी कितना आ रहा है बताओ मुझे, 40 क्या, yes, sir. अच्छा इसके बाद sn जो है वो होता है n बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, और ये आपको 400 दिया हुआ है, नहीं समझ रहे हो, तो n बाई टू इंटू ये कितना हो गया 50, तो यहाँ से सिंपलीफाई करोगे तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी, n की वैल्यू 16 जैसे ही पहली इक्वेशन में रखोगे तो ये 40 बाई 15 आ जाता है शायद, हाँ है ना, तो d की वैल्यू 8 बाई 3 आ जाती है। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा था, बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में है कि 20 प्लस 19 प्लस 18 2 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, इज गिवन सीरीज, ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज टेकन सच दैट सम ऑफ सीरीज इक्वल टू 300, बताओ इस सीरीज के कितने टर्म्स लिए जाएं जिसका सम 300 आ जाए, ये दिखा कि ये एपी है, पहला तो ये सवाल बताओ, सर एपी मिल गया, यस सर, तो इसका फर्स्ट टर्म आपने लिखा 20, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस टू बाई थ्री, यस सर, ठीक है, मान लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ये 300 है, सही है ना, और स्पेसिफिक मानो तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिख दो,
मान लेते हैं ये 300 है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देना, हाँ या ना भाई, n बाई टू 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बाई 3, यही तो इक्वल टू 300 आ जाएगा, क्या कहते हो, हाँ या ना बताओ मुझे। तो यहीं पे आप लिखोगे n 20 माइनस n माइनस 1 बाई 3 36 एंड 25, ये सम आ जाएगा आपका 300। तो n में क्वाड्रेटिक बन रही होगी, बताओ क्या बन रही क्वाड्रेटिक, सर n स्क्वायर -61n प्लस 900 -61n यस एंड 900 प्लस 900 इक्वल टू 0, देखो ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। अब यहीं पे इसको सिंपलीफाई करोगे तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा, सर n माइनस 36 एंड n माइनस 25 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 25 है या 36 है, तो 25 टर्म्स का सम भी 300 है और 36 टर्म्स का सम भी 300 है, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट। दो आंसर आने का तरीका सिंपल है कि 25 तक के जो टर्म्स होंगे वहां तक का सम 300 हो गया होगा, अब 25 से आगे के जो टर्म होंगे अप टू 36, ये वाले जो टर्म्स होंगे 36, इसमें जो ये बीच के टर्म्स होंगे इनका सम 0 हो जाएगा, ये सही बात है, सही है ना, ये बात क्लियर। अच्छा इसी में जब यही बात चली रही है तो अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है, सपोज ये हमने ले लिया, चलो तो ये एक सीरीज है, ये तो आपने देखा कि ये एपी है ना। अब आपसे पूछा गया फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म, बताओ, या इसी में आपसे पूछा गया विच टर्म इज निगेटिव फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेम लॉजिक से। तो इस टाइप की सिचुएशन को डील करने का तरीका क्या होता है, मान लेते हैं हम, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, मान लेते हैं हम कि nth टर्म इज निगेटिव, क्या मान लेते हैं, nth टर्म इज निगेटिव मान लिया आपने भाई, तो tn की वैल्यू निकाल लो। अच्छा इसमें a आप पहले ही कह चुके हैं 20 है, d आप पहले कह चुके हैं माइनस 2 बाई 3 है, तो ये वैल्यू आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा अब आपसे कहा गया tn जो है वो पहली बार निगेटिव होना चाहिए, तो tn की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, हाँ या ना में जवाब देना, यस सर। इसका मतलब 20 माइनस 2 बाई 3 एन माइनस 1 पहली बार निगेटिव होना चाहिए, हाँ या ना, इसका मतलब 2 बाई 3 एन माइनस 1 जो है वो पहली बार कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो। इसका मतलब n माइनस 1 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 30 से, 30 से n जो है वो 31 से ग्रेटर होना चाहिए, अब 31 से ग्रेटर पहला टर्म क्या होगा, 32, इसका मतलब t32 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, क्या ये मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना बोलिए। यस कोई कंफ्यूजन किसी को समझ में आ रहा तो बताए मुझे, t32 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्योंकि n, अच्छा यहाँ पर अगर ऐसे आ जाता सपोज कि n इज ग्रेटर देन 31.5 या 31.6 तो भी n तो एक नेचुरल नंबर ही होगा, हाँ ना, टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्म, टर्म की वैल्यू 1.3 थोड़ी नहीं हो सकती, मतलब 1.38 टर्म थोड़ी ना होगा, फर्स्ट टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, तो n हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही है। तो 31.6 से ग्रेटर पहला नेचुरल नंबर क्या हो जाता, 32, तब भी आंसर आप क्या लिखते, 32, समझ गए कि नहीं, तो 32 टर्म ही पहला नेगेटिव टर्म होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, मतलब सेम सीरीज आपसे दी गई तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक सीरीज दी हुई है
तो आपसे पूछा गया कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इफ सम ऑफ टर्म्स नेगेटिव फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसे कितने टर्म्स का सम करें कि वो नेगेटिव आ जाए पहली बार, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछा सकता है। सही है। तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जब हमें टीएन की बात कर रही थी तो हमने टीएन निकाल के उसको लेस देन जीरो किया था, अब हम क्या करेंगे एसएन को लेस देन जीरो, एसएन को लेस देन जीरो कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बताओ इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए देखा है हमको 20 है, डी अभी भी -2/3 है, बोलो भाई क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लेते हैं कि एन टर्म्स का सम है, तो अब हम एसएन निकालते हैं तो क्या आएगा, एन बाई टू 40 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब हम क्या कहेंगे कि भाई एसएन जो है वो निगेटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार सम ही निगेटिव हमें चाहिए, तो हम एसएन को लेस देन जीरो जब करेंगे तो एसएन की वैल्यू उठा के रख देंगे। सही है। तो एन बाई टू 40 माइनस एन माइनस वन इंटू 2/3, ये पहली बार लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, एन एक नेचुरल नंबर है, एन तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये वाला, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत, बोलो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? अब ये आ जाएगा 40 इज एन माइनस वन इंटू 2/3, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, बोलिए भाई। तो आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, एन माइनस वन इज ग्रेटर देन किससे आ रहा है, बोलो जल्दी, 60 किससे ग्रेटर आ रहा है भाई, 60 तो n किससे ग्रेटर आ रहा है इस बार, 61 से ग्रेटर पहला टर्म, 62 यानी सम ऑफ 62 फर्स्ट टर्म्स इज निगेटिव फर्स्ट टाइम, समझ में आया कि नहीं भाई? सिंपल सीधा है, अभी तो सिखाया, सेम लॉजिक लगाना था, क्या लगाया, ए की वैल्यू 20 ले ली और डी आपको क्या मिल रहा है, -3/4 है क्या? यस सर। हमें मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो पहली बार निगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी को लेस देन जीरो कर देना था, क्या कहते हो भाई? तो यहाँ से एन माइनस वन जो है वो ग्रेटर किससे आ गया, 80/3 से ग्रेटर आ जाता है, बोलो, इनको हम 83/3 से ग्रेटर ले लेते हैं, तो पहला ग्रेटर टर्म क्या आ जाता है, 28 आ जाता है। अरे बोलो यार, मेरी बात समझे, क्योंकि ये 27 पॉइंट समथिंग आ गया ना, उससे ग्रेटर पहला टर्म क्या होगा, 28 ही तो होगा, नहीं समझे, बोलो भाई, यही काम किया कि नहीं सबने? अरे yes. बताओ, गुड, अगला बताओ। yes. SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो SP का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, SQ का मतलब सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो आपको rth टर्म बताना है इन टर्म्स ऑफ PQR, एक तो एक क्वेश्चन इस पे ये करो, इसी पे दूसरा क्वेश्चन है, एस पी प्लस क्यू भी बताना, आर बताना इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर और एस पी क्यू आर भी बताना है, बताओ जरा।
जैसे ही सेकंड आया वैसे ही फर्स्ट आएगा, नहीं आया क्या वो? अरे भाई कहाँ खो गए? एसपी का मतलब होगा पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। और एस क्यू का मतलब होगा क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई। जहां पे ए का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ये तो ओके हो गया ना। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? 2a plus p minus 1 into d is equals to 2q by p। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी? 2a plus q minus 1 into d equal to 2p by q। अगर हम दोनों इक्वेशन से a और d निकालना चाहें तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले। तो p minus q into d equal to, यहां से जब आप कॉमन लोगे तो 2 अपॉन पी क्यू एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या कहते हो? बोलो भाई। तो यहाँ से क्या d की वैल्यू माइनस 2 p प्लस क्यू बाई पी क्यू आ जाती है? हाँ या ना बताओ मुझे। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब ये d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो 2a इक्वल टू 2q बाई पी माइनस पी माइनस वन, इसमें यही वैल्यू उठा के रख देते हैं तो प्लस टू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू आ जाता है। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और एलसीएम ले लें पी क्यू, तो ये आ जाता है टू क्यू स्क्वायर क्या ये सही है? और प्लस इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? टू कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बोलिए। Q square तो नहीं आएगा तो कैंसिल तो नहीं हो रहा। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अजीब से टर्म आ जा रहे हैं ना। हाँ सर, Q square आ ही नहीं सकता ना। कैंसिल करो ही मत, हटाओ। A की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो। क्या लिखोगे? Q by P plus P minus 1 into P plus Q by PQ। अब ठीक लग रहा है तो A भी आ गया। अब ए और डी उठा के रख दो। हमें क्या चाहिए पहले वाले में? टी आर चाहिए, तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी चाहिए, तो क्यू बाई पी प्लस पी माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू और प्लस आर माइनस वन प्लस क्या और हटा दो, माइनस आर माइनस वन, सही लिख रहा हूँ मैं? बोलो। टू इंटू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू आ जाएगा। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? पहला आंसर पी क्यू आर के टर्म में आ गया कि नहीं आंसर ये? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए? एस ऑफ पी प्लस क्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बाई टू। अब इसमें आओ, टू ए तो टू क्यू बाई पी प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू और माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 2 पी प्लस क्यू बाई पी क्यू, ये आएगा। देखो ध्यान से, क्या ये सही लिखा है मैंने? अब इसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन स्मार्टली करना पड़ेगा। 2 क्यू पी वाई साइड करो, 2 पी माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू साइड करो। अब यहां से ध्यान से देखो, p माइनस 1 को साथ में कंबाइन कर लेते हैं, है ना? तो जैसे ही इस p माइनस 1 को आप साथ में कंबाइन करोगे तो माइनस 2 पी माइनस 1 p
पी प्लस क्यू बाई पी क्यू एक साथ आ जाएगा और बचेगा क्या, ये q वाला टर्म अलग बच जाएगा। हाँ या ना बताना मुझे, बोलो भाई। यस सर। इस q वाले टर्म को अलग साइड में बचा लो तो क्या बचेगा, माइनस टू, नहीं माइनस नहीं प्लस, नहीं माइनस नहीं, माइनस का टू क्यू और साथ में p प्लस क्यू बाई पी क्यू। ध्यान से देख लेना, ये और ये पूरा हो गया कैंसिल, कैलकुलेशन बच गया। अब ये आएगा p प्लस क्यू बाई टू, टू क्यू बाई पी और माइनस टू पी प्लस क्यू बाई पी आ जाएगा। बोलो भाई, इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। देख लो ध्यान से, बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं। बोलो भाई, नहीं समझे तो सम तो ये आ गया और ये वाला आंसर ये आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर मैं एस एन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसको एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू डी लिख सकता हूं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस ए माइनस डी बाई टू इंटू एन लिख सकता हूं। देखो ये दिखा। अच्छा, ये देखने से हमको पता चल रहा है कि Sn is An square plus Bn form। बोलो। तो कैसी लगेगी? Sn is An square is Bn form। हाँ या ना? समझ गए? यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि for any सर डांटते हैं। फॉर एनी सीक्वेंस, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एनी सीक्वेंस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज क्या दिया हो, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, यानी वो एन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, वो भी इस तरह की क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, तो हमें तुरंत क्या पता चलता है, देन सीक्वेंसेस, बोलो ए पी, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, टू ए। क्यों? अगर मैं कंपेयर करूं एन स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और यहाँ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई, डी बाई टू, तो डी बाई टू इक्वल टू ए हो जाएगा, तो डी टू ए आ जाएगी कि नहीं ये बताओ मुझे। अच्छा, एंड फर्स्ट टर्म बोलिए, अब ये जो बी होगा वो ए माइनस डी बाई टू के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस डी बाई टू, और डी हम कितना निकाल चुके हैं, टू ए, तो ये बी प्लस ए के बराबर आ जाएगा कि नहीं। Yes, sir. अब जब भी आपके पास कोई भी सम इस तरह का दिया हो, तुरंत आप उसको कहेंगे AP और उसका A और D निकाल लेंगे। एक बार A और D आपने निकाल लिया तो बाकी कैलकुलेशन तो आपने सिंप्लीफाई कर ही लेना है। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए क्या कि इफ Sn इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन और आपसे पूछा जाए फाइंड टी फिफ्टी, याद है आपने ये क्वेश्चन किया है? अब क्वेश्चन ज्यादा आसानी से होगा। ऐसे अगर ये है तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या है बताओ, एपी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फाइव, और हमें टी फिफ्टी निकालना है, तो 5 प्लस 49 इंटू 4 कर देंगे। अरे बोलो। Yes, sir. आंसर 201 आ जाएगा सीधा। दिखा कि नहीं? Yes, sir. ये काम Yes, sir. हम सिर्फ इस वजह से कर पाए क्योंकि ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में था और हमें सीक्वेंस एपी पता चल गया, उसकी हेल्प से हमने ए और डी निकाल के काम कर लिया। समझ पाए काम हम क्यों कर पाए? बोलिए भाई। हाँ सर। गुड।
मतलब पहला सवाल इसमें क्या है कि 20 टर्म्स के सम का रेशियो बताना है। तो अब इस टाइप की सिचुएशन को डील करने का तरीका सिंपल है कि भाई दो एपी हैं, मान लेते हैं पहली एपी के एन टर्म्स का सम एसएन है और दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम एसएन डैश है। ये आपको दिया हुआ है 7n plus 1 upon 4n plus 27। अब आपसे पूछा गया पहला रेशियो ऑफ 20 टर्म्स, तो यानी कि n की जगह आपको सिंपल क्या रख देना है, 20। क्या ये मेरी बात समझ पाए पहले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, बोलो भाई। यस सर। 80 प्लस 27 समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ या ना भाई? तो पहला आंसर 141 बाई 107 आ गया, बोलो yes, भाई sir. अच्छा सेकंड टाइप में क्या करना है कि 20th जो टर्म है उसका रेशियो बताना है, यानी कि हमें चाहिए T20 अपॉन T-20 का रेशियो। तो अगर मैं इसके A प्लस 19D1 अपॉन A1 प्लस 19D1 का मुझे रेशियो चाहिए, सही है ना, वेयर A1 एंड D1 इज क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट एपी एंड A1 एंड D1 इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ सेकेंड एपी। तो पहली एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दिया, दूसरी एपी का भी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दिया, दोनों के 20th टर्म का हमें रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, डन है भाई। अच्छा अब आइए इस टाइप की सिचुएशन डील कैसे करेंगे। SN by SN dash को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये N by 2 2A1 plus N minus 1 into D1 और ये N by 2 2A1 dash plus N minus 1 into D1 dash होगा, am I correct or not, बताओ मुझे। ये हमें क्या दिया हुआ है 7N plus 1 upon 4N plus 27, n by 2 से n by 2 cancel हो गया, यहाँ से आ गया a1 plus n minus 1 by 2 into d1 upon a1 dash plus n minus 1 by 2 into d1 dash equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27 आ गया। अच्छा अब हमें ratio इसका बनाना है और हमें ये मिल गया है, तो इसका मतलब हमें n minus 1 by 2 की जगह क्या लिखना है, बोलो। 19. तो तुरंत हम साइड में क्या करेंगे भाई कि n माइनस 1 बाई 2 की जगह अगर हम 19 लिखना चाहते हैं तो n की जगह 39 लिख दें। Yes, sir. तो तुरंत हम यहाँ क्या पुट करेंगे 7, n को 39। ये हम क्यों समझे, समझ गए कि नहीं, हमें भाई ये चाहिए तो यहाँ पे हमें बस 19 चाहिए, तो यहाँ हम 19 कब ला पाएंगे जब हम n की वैल्यू क्या रखने वाले होंगे, बोलो भाई 39। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो भाई। सर ये 39 कैसे आया, सिंपलीफाई नहीं समझे, हमें इस n माइनस 1 बाई 2 की जगह क्या लाना है भाई 19, तो n माइनस 1 बाई 2 की जगह 19 कब आएगा जब n की जगह 39 रखेंगे। अरे बोलो अब समझ गए कि नहीं, तो बस n की जगह 39 पुट कर दो, तो ये बनेगा a1 plus 19d1, ये बनेगा a1 dash plus 19d1 dash और यहाँ क्या पुट हो जाएगा 7 into 39 plus 1 upon 4 into 39 plus 27, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, n की जगह 39 क्यों पुट किया समझ में आया। अच्छा यहीं पे अगर हमें यहीं पे अगर हमें रेशियो निकालना होता T10 बाई T10 डैश का, तो n की जगह क्या पुट करते हैं, क्विक 11 सॉरी 11 हैं 21 माइनस 1 बाई 2 को 9 ले लेते हैं। यस सर। अरे 9 चाहिए ना n माइनस 1 बाई 2 की जगह, n को हम क्या पुट करते हैं 19 नहीं समझे बात, 9 कहाँ से आया, हाँ सर
अब हमें यहाँ क्या चाहिए था, ए वन प्लस नाइन डी वन ना, और यहाँ क्या चाहिए था, ए वन डैश प्लस नाइन डी वन डैश। तो अब हमें एन माइनस वन बाई टू की जगह क्या चाहिए, बोलो भाई। यस सर। आप समझे कि नहीं? यस सर। तो अब अगर यहीं पे मैं जनरलाइज आपके सामने लिखूं, जिसकी चाहत आप कर रहे हैं, टीएन टीएन डैश का रेशियो चाहिए, तो हम पुट कर दें एन को टू एन माइनस वन इन एस एन बाई एस एन डैश। बोलो, देखो वही तो कर रहे हैं तब से, 19 चाहिए था तो 2 इंटू 19 माइनस 1 कर दिया, सॉरी 20th टर्म का रेशियो चाहिए था, बोलो भाई, तो 2 इंटू 20 माइनस 1 पुट कर दिया, 10th टर्म का रेशियो चाहिए था तो 2 इंटू 10 माइनस 1 पुट कर दिया, बोलो। यस सर। समझे बात की नहीं समझ पाए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। तो अगर हमें ये चाहिए तो हम n की जगह क्या पुट कर दें, बताओ, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, n को किससे रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें भाई, 2n माइनस 1, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। आप समझे कि नहीं कहानी क्या चल रही है? तो अब जिस भी टर्म का रेशियो आपको चाहिए होगा, अच्छा ये हमने क्यों सोचा है समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, n माइनस वन बाई टू। बोलो भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। यस गुड।